हेलो पूजा, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। हेमंत, तुमने फोन क्यों किया? पूजा, मैं तुमसे जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कौन सी बात? पूजा, उस दिन मैंने तुम्हें होटल पर बुलाया था लेकिन तुम आए नहीं। अगर तुमको नहीं आना था तो कम से कम फोन पर बता दिया होता। देखो हेमंत, मैं बहुत परेशान हूँ। राजीव को इस बात का शक हो गया कि मैं अभी भी तुमसे मिलती हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ। वो मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, मैं उसे कैसे समझाऊं? वैसे पूजा, उसको समझाकर कोई फायदा नहीं, तुम चिंता मत करो। वैसे भी तो पूजा, तुम राजीव से कभी प्यार नहीं करती थी ना। हाँ, ये बात सच है हेमंत, पर अब बात कुछ और है। अब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि उसमें काफी सारी अच्छाइयां भी हैं, और मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच और कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं समझ सकता हूँ पूजा, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका शक मैं दूर कर दूंगा। ऐसा है तो तुम दोनों साथ में मुझसे मिलो। लेकिन हेमंत, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझसे होटल में मिलकर करना चाहते हो? पूजा, वो सब बातें मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, मेरा विश्वास करो। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तुम्हारा वास्ता मुझसे हो। प्लीज पूजा, बिलीव मी। ठीक है हेमंत। ठीक है, तो फिर शाम को 7 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। आओ पूजा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वेल, यू आर नॉट ऑन टाइम। बोलो क्या खाओगी? मैं यहाँ खाने वाने नहीं आई, पहले काम की बात करो। कम टू द पॉइंट। काम की बात? मैं कुछ समझा नहीं, कौन से काम की बात? मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताओ क्या बात है? दरअसल पूजा, मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने बुलाया है। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। वेल, जो होना था वो तो हो गया। मेरा मतलब कि पूजा, अब तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी तरीका का रिलेशनशिप नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बुलाकर ये कह दूं कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना। क्यों पूजा? क्या यही कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? ये तो तुम फोन पे भी कह सकते थे। नहीं पूजा, तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मेरा ये मकसद नहीं था। यहाँ पर तो मैंने तुम्हें किसी और ही वजह से बुलाया है। हेमंत, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कह दो, मुझे देर हो रही है। नहीं, जल्दी भी क्या पूजा, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे। बोलो तुम क्या खाओगे? Shall I order something for you? Excuse me. Hello? हाँ पूजा, मैं राजीव। राजीव? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम यार, मैं कब से घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे मुझे अकेले छोड़ के मत जाया करो ना प्लीज। कब आ रही हो तुम? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ राजीव। कोई बात नहीं, वैसे कहाँ हो तुम पूजा? मैं एक सहेली के साथ हूँ। सहेली के साथ? हाँ राजीव, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके बाय। मुझे जाना होगा हेमंत। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन पूजा हम अगली बार कब मिल सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे अब नहीं मिलना चाहती। पूजा, कौन बोल रहे हैं? हाँ एक मिनट, हेमंत का फोन। हेलो। हे पूजा, कैसी हो तुम? देखो हेमंत, मेरी बात आज कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। Do you understand? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे मेरी और मेरी पति की इज्जत का ख्याल है। पूजा, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मेहरबानी करके मुझे मिलने की या फोन करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। प्लीज लीव मी। पूजा, पूजा,
सेजल, तूने अपनी सोनोग्राफी करवाई या नहीं? नहीं भाभी, मैं तो सोनोग्राफी करवाना चाहती थी लेकिन आनंद ने मना कर दिया। उसका कहना है कि क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की, बच्चा तो हमारा ही है ना। आनंद बिल्कुल सही कहता है, जानती है तेरे भैया का ख्याल भी यही था। सेजल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। ये बात मैं तुमसे गोद भराई वाले दिन करने वाला था लेकिन फिर सोचा बाद में ठीक रहेगा। हाँ भैया, कहिए। सेजल, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 6.5 महीने हुए, फिर ये तैयारियां किस लिए? जवाब तो सेजल मैं तुमसे पूछ रहा हूं। समझ गया, सब कुछ समझ गया। पता नहीं मेरे साथ ही इस घर में ऐसा क्यों होता है। अपने ही घर में मुझे पराया समझा जाता है, मुझे कोई बात नहीं बताई जाती। पहले मुझसे पूजा की बात छुपाई गई और अब भाभी, अब सेजल की बात। नहीं भैया, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। उस वक्त घर में हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमने आपको सब कुछ सच बताना ठीक नहीं समझा। भाभी, ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी कि मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई? मैं इस घर में सबको अपना समझता हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। लगता है आज आपको सब कुछ सच सच बता देना पड़ेगा। पूजा को गलत समझा, मैं उसकी जिंदगी तबाह करने में लगा हुआ था भाभी, और उसने तो Oh my God। भाभी, मुझे अभी पूजा से मिलना होगा। I have to sort out everything। मैं भी चलता हूं भाभी। इन पर साइन कर दो पूजा। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। क्या? हमारे तलाक के कागजात। लेकिन क्यों राजीव? ये सवाल कितना खोखला है, ये तुम भी जानती हो पूजा, और अब ये मैं भी जानता हूं। पूजा, हम दोनों को एक दूसरे को और बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। ये बात आईने की तरह साफ है कि मेरे प्यार के दायरे में तुम्हारे सिवा ना कभी कोई और था और ना कभी कोई और होगा, लेकिन तुम्हारे प्यार के दायरे में पहले से ही हेमंत था, है और हमेशा रहेगा। इस बात को अब हमें झुठलाना नहीं चाहिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है पूजा, और देखो तुम प्लीज परेशान मत हो। हो सकता है तुम्हें थोड़ा अजीब लगे लेकिन ये बिल्कुल सही है, और तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना पूजा। मैं हमेशा खुश रहूंगा, तुम मानो या ना मानो, मैंने तो तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से चाहा है पूजा, और जो लोग सच्चे दिल से चाहते हैं ना, वो सिर्फ अपने प्यार को खुश देखना चाहते हैं। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो कोई बात नहीं, तुम खुश हो मैं खुश हूं, एक ही बात है। और मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की पूजा, लेकिन अब नहीं होता मुझसे, मेरी रातों की नींद चली गई है, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम प्लीज इन पर साइन कर दो प्लीज पूजा।